कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आज हम आपको ना कॉफ़ी बनाना सिखाते हैं। एक तो इंस्टेंट कॉफ़ी होता है और एक ये है कि जो बोतल में जो होता है इसका पाउडर जो होता है वो बनाना सिखाएंगे आज आपको। वैसे तो आप हर उसमें देखते हैं, हर एक अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपने तरीके से आज बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो है, सबसे पहले तो एक पतीली में आप ना दूध ले लें। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नीडो हो, चाहे एवरीडे हो, जो भी हो, और फ्रेश दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आज हम फ्रेश दूध में बना रहे हैं, तो अभी हम आपको रेसिपी बताते हैं कि कॉफ़ी किस तरह बनती है। तो सबसे पहले हम पतीले में हमने दूध डाला है, तो ये फ्रेश दूध है। इसमें मैं कॉफ़ी बनाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरह ये बाकी इसकी रेसिपी है। अच्छा व्यवर्स, ये हमने ये पतीली रख दी है चूल्हे पे। ये दूध जब बॉयल आ जाएगा, साथ इसमें चीनी भी डालेंगे। क्योंकि ये कॉफ़ी इसमें कड़वाहट है, इंस्टेंट तो है नहीं, तो आप इसमें चीनी अपनी तरफ से ऐड करेंगे। जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है उसमें तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से मौजूद होता है ना, चीनी और दूध वगैरह सारा कुछ मौजूद होता है। तो ये पतीली में दूध गर्म हो रहा है, अभी इसमें मैं डालती हूँ चीनी। अपनी टेस्ट मुताबिक आप चीनी डालें, चाहे जितना आप पीना चाहते हैं ना। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक 4 चम्मच चीनी डाल दी है। तो अभी मैं इसको ये मिक्स कर देती हूँ चीनी को, ताकि वो जल्दी से हल हो जाए ना। तो ये अब मैं इसको उबालने के लिए रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ। आगे मैं कॉफ़ी को ना बनाना शुरू करती हूँ, उसको मिक्स करती हूँ। ये देखें, अभी हम लोग ना ये जो कॉफ़ी है, जो ब्लैक कॉफ़ी होती है, ये ब्लैक कॉफ़ी है जो कड़वी होती है, ये इससे मैं कॉफ़ी, ये आप कोई कॉफ़ी बनाऊंगी ना, तो ये मैं 3, ये 4 4 स्पून हो गए, टीस्पून, ये टी स्पून हो गया। तो अब ये नेस्ले की कॉफ़ी है, ये देखें आप, नेस्ले की कॉफ़ी है, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इसके बाद आगे रेसिपी ये देखें आप, इसमें चूंकि ये ब्लैक कॉफ़ी है, वैसे तो इंस्टेंट कॉफ़ी में नहीं है पानी यूज़ करते हैं ना, इसमें आपको ना दूध यूज़ करना पड़ेगा। जाहिर है उसमें ऑलरेडी पहले से दूध होता है, तो इसमें आपको दूध थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ ये जो है ये यानी बीटर है, इसको से बीट करना होता है ना, ये कॉफ़ी बनाते हैं इससे। और ये बहुत ज़बरदस्त, आप इसे बीट करेंगे तो आप भी ये लें अपने साथ रखें, बजाय अपने हाथ से, चम्मच से, या कांटे से पेटने से बेहतर है कि आप इससे बहुत आसानी होती है। तो ये मैं अभी डालती हूँ थोड़ा सा दूध। अच्छा, ये के साथ साथ हम बीट करें, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भी, बहुत सस्ता, महंगा भी नहीं है, आप आसानी से, हर कोई आसानी से ये ले सकता है। तो ये हर जगह से आपको इंशाल्लाह ये जिस ये बीटर है मिल जाएगा, तो ये आप लें। और इससे आप नहीं मज़े से, अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो बंदा लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इंजॉय करते हैं, गर्म गर्म कॉफ़ी का अपना ही टेस्ट, अपना ही मज़ा होता है। तो आप लोग भी ना इसको इसको जो बीटर है इसको ले लें, और इसी से डायरेक्ट कॉफ़ी बना के, और कोई ना कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस आप आराम से इंजॉय करके कॉफ़ी इंजॉय किया करें सर्दियों में। तो अच्छा, ये लगी हूँ मैं अभी इसको बीट करूँ, इसे फ्लफी सा। एक तो बिजली का बीटर होता है, तो बजाय उस बीटर को यूज़ करने के, आप नहीं है जो इतना इतनी आसानियाँ हो गई हैं, इतना सब कुछ, तो आप इसमें हैंड बीटर, इसको हैंड बीटर कहते हैं, आप इसमें सेल डलते हैं, तो उस सेल वाले ले लें, और उससे ना आप आराम से कॉफ़ी बीट करके तो इंजॉय करें, मज़े करें सब। हाँ, ये देखें, ये बटन है, इस बटन से प्रेस करके ना, तो ये देखें इतने, ये देखें आप देख रहे हैं, ये देखें इतने आराम से कॉफ़ी इतनी मज़े की ये बीट हो रही है। तो कोई भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस खुद ही कॉफ़ी बीट होने लगती है। देखें, इसमें नहीं है, क्रीम भी डलती है, आप अपने चॉकलेट पाउडर जो होता है वो भी डाल सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी आपकी जो बोले। तो व्यूअर्स, आप इसमें क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से,
जो, और जो चाहे वो घर की मलाई हो चाहे वो बाजार की जो क्रीम होती है वो, और ये चॉकलेट पाउडर अगर आपके साथ हैं, आप अपने ये डालना चाहते पसंद है तो आप कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं उनके लिए भी आप, या बिल्कुल अगर ये जिस तरह आप चाहते हैं कि यानी आप डालना चाहते हैं मेहमानों के लिए अपने लिए, तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड नहीं भी करना चाहते हैं तो ऊपर इसे गार्निशिंग के तौर पर भी वो चॉकलेट पाउडर आप अपने साथ रखें तो ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं, वो फिर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है ना कि किस तरह होता है। अभी देखिए ये लगी हूँ मैं, बीट कर रही हूँ, इससे भी काफ़ी टाइम लगता है इसको बीट करने पे, तो इंशाल्लाह मैं अभी साथ साथ आपको बताती भी रहूँगी, और ये साथ साथ ये जैसे बीट होता है ना मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। देखा है ना फ्लफी सा क्रीम, देखिए बीट हो रहा है, ये फ्लफी सा हो के क्रीमी क्रीमी बन जाएगा, जैसे ये थिक हो जाएगा और क्रीमी क्रीमी बन जाएगा तो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ कि ये देखें ये किस तरह बड़े मज़े का इसका टेस्ट आएगा। देखो व्यूअर्स, मैं ना मैं दूध को रखा हुआ है हल्की आंच पे, इसमें उबाल आ गया है, तो जैसे ही वो हमारी कॉफ़ी वो जो तैयार हो जाती है इसके, वो फ्लफी सा हो जाता है कॉफ़ी, सॉरी फ्लफी सा हो जाती है, तो फिर मैंने साथ साथ ना इसको आगे आगे आपको मेरा ये रेसिपी बता। अच्छा व्यूअर्स, इसको हम लोगों ने ज़्यादा यानी इसको मैंने बीट कर लिया है लेकिन ज़्यादा क्रीमी नहीं किया है, इसको वैसे करना तो बहुत पड़ता है लेकिन चूंकि ज़रा कुछ टाइम की वजह से भी हम ज़रा इसको ना यानी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो इसलिए अभी हमने इसको फ्लफी सा बनाने की कोशिश की है। तो अभी हमें इसको इसमें पहले दूध डालती हूँ, यानी हमने इससे फ्लफी बना लिए, अब मैं इसमें दूध डाल के ये हमने दूध डाल दिया, दूध में यानी दूध उबाल के ना, तो अभी ये ऊपर से ये हम जो इसको फ्लफी बनाए इसमें ये डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं, ये देखिए ये व्यूज कितना अच्छा लग रहा है ये। अब आप इसको ना मिक्स करें व्यूज, हमने लिया कॉफ़ी बना ली है, अब आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से चॉकलेट की गार्निशिंग कर सकते हैं, क्रीम भी ऊपर से डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं मैं अभी ये बस चॉकलेट पाउडर डालूंगी, ये देखिए मैंने चॉकलेट पाउडर बस इसकी गार्निशिंग की है। अब आप फिर यानी अपनी मर्जी से ऊपर दोबारा से भी उसको ये क्रीमी क्रीमी सा बनाने के लिए ये बस कॉफ़ी को थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। ये व्यूअर्स हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है, ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है, तो आप टेस्ट करें घर में बनाएं और कि कैसी लगी कॉफ़ी आपको जिस तरह मैंने बनाई है। और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट में हमें बताएं कि कैसी लगी ये कॉफ़ी आपको, और अल्लाह हाफिज़।